देश के सभी सीआरपीएफ के स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल कल रात आया था। कई स्कूलों को मेल आया था। जांच के बाद इन धमकी भरे मेल को हॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया। मेल भेजने वाले ने पूर्व डीएम के लीडर जफर सादिक की अरेस्ट का जिक्र किया था, जिसको एनसीबी और फिर ईडी ने अरेस्ट किया था। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, इसको फर्जी बता दिया गया है, क्या डिटेल्स और मिल पा रही हैं? देखिए, जो देश के सभी सीआरपीएफ के स्कूल हैं उनको एक कल रात में 11 बजे एक धमकी भरा मेल आया था, जिसमें कहा था कि सुबह 11 बजे तक जितने भी स्कूल हैं उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन जांच के बाद ये पाया गया कि ये एक हॉक्स कॉल थी और इस मामले में जो है पुलिस अभी जांच कर रही है। इस मेल में पूर्व डीएम के लीडर जफर सादिक का भी जिक्र किया गया है, उनका नाम क्यों लिखा गया है ये भी साफ नहीं है। और जो मेल में प्रशांत बिहार इलाके में जो धमाका हुआ था उसको लेकर इस मेल को जोड़ा जा रहा था। हालांकि अब तक की जांच में साफ हुआ है कि इस मेल का प्रशांत बिहार इलाके में जो सीआरपीएफ के स्कूल में ब्लास्ट हुआ है उससे कोई लिंक नहीं है। दिल्ली में सीआरपीएफ के दो स्कूल है, एक रोहिणी में है और जो दूसरा जो है वो द्वारका में है। तो रोहिणी वाला जो स्कूल है वहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो अभी जो मेल आया है इस मेल को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, आखिर ये मेल कहां से आया, इसमें आईपी एड्रेस कहां का है, इसको लेकर अभी जांच लगातार चल रही है। जी।